आज हम लोग ये सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो पहले हम लोग ये इसको देख लेते हैं कि जो इक्वेशन का वर्ड यूज हुआ है वो क्यों यूज हुआ है। अब इक्वेशन किसी भी चीज में आए तो उसका मतलब ये है कि उसमें हम लोग इक्वल यूज करेंगे। यानी मैं कहता हूँ 2 + 3 = 5, ये भी एक इक्वेशन है। यानी कि अगर किसी भी चीज में अगर हम लोग इक्वल यूज करते हैं तो उसके उसको जो कम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। ये दरअसल एक मैथ का ही फार्मूला बन जाता है, इसको हम लोग अकाउंटिंग के अंदर यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन तीन चीज़ों के से मिलकर बनती है। जो पहली चीज़ है वो हमारे पास है एसेट, यानी कि जो हम लोग एसेट जो होते हैं हमारे पास बिजनेस के वो इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। इसको आमतौर पर हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं और ये लाइबिलिटीज होती है हमारे पास। ये तीन चीजें मिलके ही हमारे एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाती हैं। एसेट जो होते हैं हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं जिससे हम लोग बिजनेस को जनरेट करते हैं। लाइबिलिटीज ये हमारे बिजनेस की यानी कि जिम्मेदारी होती है। यानी किसी से हमने उधार पे अगर कोई चीज ली हुई है या किसी से किसी को हमने कुछ पैसे पेमेंट वगैरह करनी है तो वो हमारी लाइबिलिटीज बन जाती हैं। और इस तरह ओनर इक्विटी आ जाती है कि एक पर्सन ने अगर बिजनेस शुरू किया है तो उसने अपना जो कैश है या अपने जो पास जो इक्विपमेंट थी ये चीज़ें होती हैं उनको अपना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस की ही वो जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ओनर को भी कमा के दें। जब हम इस लेक्चर के अंदर हमारा मेन फोकस जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर ही फोकस करना है तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग अगर हमें इक्विटी को फाइंड करना हो तो उसको हम लोग कर सकते हैं कि एसेट माइनस लाइबिलिटीज करें तो हमारे पास इक्विटी आ जाएगी। अगर यहाँ से देखें तो हम लोग अगर बिल्कुल मैथ की ही जिस तरह मैथ में हम लोग करते हैं बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। यानी कि ये हमारे पास लाइबिलिटी है, जब इक्वल के इस साइड पे जाएगी तो इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का तो साइन है, जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग मैंने यहाँ पे ई से इक्विटी, ए से एसेट और एल से लाइबिलिटीज है। अब हमें अगर लाइबिलिटीज को फाइंड करना है तो हम लोग इसको सिंपली लाइबिलिटीज को लिख देते हैं। अब ओनर इक्विटी जब इस साइड पे आएगी तो एसेट में से लेस हो जाएगी तो हमारे पास लाइबिलिटीज आ जाएंगी। इस तरीके से हमें अगर कोई भी यानी कि अगर एसेट दिए हों और इक्विटी दी हो तो हम लाइबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें दो चीज़ें दी जाएं तो हम थर्ड चीज़ को इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें लाइबिलिटीज दी जाएं और इक्विटी दी जाए तो हम दोनों को प्लस करके एसेट के इक्वल कर लेंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट मैं कहता हूँ कि हमारे पास एसेट जो है वो 5000 है, लाइबिलिटीज हमारे पास 2000 है और हमने इक्विटी को फाइंड करना है। अब हमें पता है कि जो हमारा फार्मूला होता है वो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के इक्वल होता है। अब अगर हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हमारे पास ये 500 ये आ जाएगा, 5000 ये आ जाएगा, इक्वल लाइबिलिटीज की जगह पे लाइबिलिटीज की वैल्यूज आ जाएंगी और यहाँ पे इक्विटी आ जाएगा। अगर हम लोग इस 2000 को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये 5000 में से 2000 लेस हो जाएगा और हमारे पास इक्विटी आ जाएगी 3000 की। इस तरीके से हमने जो अननोन वैल्यू थी इक्विटी की उसको फाइंड कर लिया है। अच्छा, ये जो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को अभी किए जा रहे हैं ये बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में किए जा रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग सिंपल हमें चीज़ें दी जाए यानी कि एसेट की मुकम्मल ये टोटल एसेट दी जाए, टोटल लाइबिलिटीज दी जाए,
तो हम लोग टोटल इक्विटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जब हम लोग क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग मोर डिटेल के अंदर भी देखेंगे कि वहाँ पे ये किस तरीके से इस्तेमाल होती है, जिसको हम लोग एक और एग्जांपल के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। मैं अब इस एग्जांपल को यहाँ पे डिस्कस लेता हूँ। मैं कहता हूँ लेट हमारे पास जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हैं जी लाइबिलिटीज हैं 3000 की, और इक्विटी हमारे पास है जी 4000 की, और हमें एसेट हमने फाइंड करने हैं। तो हमें पता है कि हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो है जी एसेट इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी के। अगर हम लोग लाइबिलिटी और इक्विटी दोनों को ऐड कर लें तो हम लोग एसेट का बैलेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल एसेट आ जाएंगे 7000। तो इस यहाँ तक अभी जो मेन चीज़ जो हमने समझनी है वो यही समझनी है कि जो एसेट हैं वो इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी के। हम लोग इसको मुख्तलिफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग लाइबिलिटीज को इक्वल के साइड पे लेके आए तो ये नेगेटिव में हो जाएगी, अगर हम लोग इक्विटी को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये चीज़ नेगेटिव में हो जाएगी। अगर हमें एसेट और इक्विटी दी जाए, यानी कि लाइबिलिटीज और इक्विटी दी जाए, तो हम लोग इन दोनों को ऐड करके एसेट फाइंड कर सकते हैं। अब हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमें एसेट्स इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब हमारे पास बहुत सारे एसेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कैश है तो वो आ जाएगा, अगर हमारे पास इन्वेंटरी है ना वो आ जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल है तो वो आ जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे एसेट हो सकते हैं, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, वो सब एसेट हम लोग उनको ऐसे ऐड कर देंगे, हमारे पास ये टोटल एसेट आ जाएंगे। हम लोग इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि उन सब एसेट को लेदर लेदर लिख कर आगे इक्वल का साइन लगाएंगे। इस तरह हमारे पास लाइबिलिटीज होती हैं, इसमें अकाउंट पेबल हो सकते हैं। इस तरह नोट पेबल हो सकते हैं। इस तरह सैलरीज पेबल और मुख्तलिफ अदर पेबल्स हो सकते हैं, यानी जो हमारे लाइबिलिटीज में आते हैं उनको सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। इस तरह इक्विटी में हमारे पास इक्विटी में समटाइम कॉमन स्टॉक भी होते हैं और कुछ टाइम हमारे पास नहीं होते हैं, तो हम लोग कॉमन स्टॉक लिख सकते हैं। अगर हमें इसकी चीज़ ना दी जाए तो हमें सिंपली इक्विटी लिख देते हैं। और कॉमन स्टॉक हो गया, प्रीपेड कैपिटल हो गया, इस तरह वाली चीज़ें जो होती हैं उसको हम लोग इक्विटी के अंदर लिख सकते हैं। यानी कि बताने का मेन मकसद ये है कि अगर हमें सिंपली अकाउंटिंग क्वेश्चन का पता हो तो हम अगर एसेट हमारे पास मौजूद होंगे तो हम लोग उनको इस तरीके से लिख देंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, और इस तरीके से आगे लाइबिलिटीज लिख देंगे, और हम लोग जो है एंड में इक्विटीज वगैरह के जो अकाउंट होंगे उनके बैलेंस उनको लिख देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, जो सम होगा, यानी कि मैं कहता हूँ कि ये हमने टोटल एसेट किए हैं इसका सम, और ये जो इस साइड वाला जो टोटल सम है, यानी इन दोनों को जब हमने जमा किया है तो ये आपस में इक्वल आएंगे, इसलिए वजह से यहाँ पे इक्वल का साइन आया हुआ है, इसीलिए इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोला जाता है। यानी कि ये बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, अगर इक्वल ना होते तो यहाँ पे कोई और साइन आता है। यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इसका मतलब ये है कि इस यहाँ पे अगर 100 आया है तो इधर भी इन सब चीज़ों को जमा करने के बाद 100 ही आएगा। अगर इधर डिफरेंस कुछ आ रहा है तो आपको देखें कि कोई मसला है, क्योंकि वो मिस्टेक होगी जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा होगा। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को एक बड़े क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, कि जिसके ऊपर हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो उसको हम लोग किस अंदाज में करते हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो आपने जो अभी तक जो यहाँ तक चीज़ समझनी है वो ये है कि
जो एसेट्स होते हैं उनके अगर डिफरेंट एसेट हमें दिए जाए उन सबको हम लोग सम कर लेते हैं। इस तरह लाइबिलिटीज और दी जाए तो उन सबको हम लोग सम कर लेते हैं, और इक्विटी तो इन सबको सम करने के बाद जो इनका टोटल होते हैं वो आपस में इक्वल आने चाहिए। चलें अब हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक एक्सेल शीट अवेलेबल है, इसमें यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स लिखी हुई हैं और यहाँ पे हमारे पास एसेट्स हैं और यहाँ पे इक्वल यानी कि इक्वल समझ लें यहाँ पे, और लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी है, और यहाँ इस साइड पे यहाँ पे हमें बता रही है टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज टोटल इक्विटी, और यहाँ पे ये आता जाएगा कि हमने ठीक किया या नहीं किया। यानी अगर ट्रू होगा तो इसका मतलब यहाँ तक ठीक है, अगर फाल्स है यानी कि उसका मतलब है कि ये रॉन्ग है। यानी यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस टोटल इक्विटी। तो अब यहाँ पे हमारे पास पहली जो ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड 50,000 कैश फ्रॉम ये कोई कंपनी है एंड इश्यू स्टॉक्स। तो इसमें हमने क्या किया है, रिसीव किया हमने कैश को और हमने 50,000 जो कैश जो है वो रिसीव किया, और स्टॉक्स जो हैं अपने कंपनी के स्टॉक वो हमने इशू किया। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास कैश आया है तो हम लोग कैश में इंक्रीज हुआ है, इसमें लिए हम लोग कैश में इंक्रीज कर देंगे 50,000 से, और कॉमन स्टॉक भी वे में भी इंक्रीज होगा। जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस होने की सूरत में यहाँ पे 50,000 आ जाएगा, और बाकी जो अकाउंट कोई भी यूज़ नहीं हो तो वहाँ पे 0,0 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे लाइबिलिटीज़ वगैरह कोई यूज़ नहीं हुई इस ट्रांजेक्शन के अंदर वहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमारे पास इक्विटी के जो अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास कॉमन स्टॉक्स हैं और डिविडेंड है, सर्विस रेवेन्यू, रेंट एक्सपेंसिस है और सैलरीज एक्सपेंसिस है, और यानी कि इक्विटी के अंदर हमारे पास कंट्रीब्यूटर कैपिटल आ जाता है, उसमें कॉमन स्टॉक्स आ जाते हैं और यहाँ पे डिविडेंड हो गया और बाकी ये अकाउंट्स वगैरह आ जाते हैं, यानी जिसमें हमारे पास इनकम के और एक्सपेंस के हो जाते हैं। ये बेसिकली रिटेन अर्निंग के होते हैं, जो इक्विटी है बेसिकली कैपिटल का कंट्रीब्यूटर कैपिटल और रिटेन अर्निंग का ही पोर्शन होती है। चलिए हम लोग दूसरे ट्रांजेक्शन को देखते हैं। अब यहाँ परचेज अ लैंड ओ फॉर 23,000 फॉर कैश। अब इसमें हमने कैश दिया तो इसका मतलब हमारे कैश में कमी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे 23,000 से, और अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे हम लोग और से देखें तो हमारा ये जो बैलेंस है यहाँ पे फॉल्स आ गया, यानी कि हम यहाँ पे ये पूरा इक्वल नहीं हुआ। तो हम लोग इसमें जो लैंड वाला सेक्शन है, अब यहाँ पे लैंड यूज़ हुआ है तो हम लैंड लिखेंगे, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल में हम लोग ये नहीं लगाएंगे, यानी कि ये 23,000 जो है तो अकाउंट रिसीवेबल में नहीं पुट करेंगे, क्योंकि हमने अब यहाँ पे लैंड यूज़ हुआ तो लैंड वाले ही हेड के नीचे यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मैं लिख देता हूँ 23,000, उसके बाद हम लोग कर लेंगे इनको टोटल। अब यहाँ पे ये जो ये टोटल आ रहा है ये 50,000 में से ये 23,000 लेस होके आ रहा है, और ये वाले जो साइड है जो टोटल एसेट है वो होंगे टोटल लाइबिलिटीज के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे 50,000 की जो टोटल हमारे पास लाइबिलिटीज और क्या कंट्रीब्यूट कैपिटल जो है या इक्विटी है वो हमारा 50,000 आता है, अगर हम लोग इन दोनों को जमा करें वो भी 50,000 आता है, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि टोटल एसेट हमारे पास 50,000 है और टोटल इक्विटीज भी हमारे पास 50,000 है, और ये इस तरीके से ये बैलेंस है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड थर्ड ट्रांजेक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे हमने क्या परचेज 3,000 ऑफ ऑफिस सप्लाइज ऑन अकाउंट। अब ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने इस चीज़ को उधार पे बाय किया है, यानी कि अब हम लोग एक चीज़ लिए उसके पैसे हम लोग बाद में देंगे, और हमने उस पर्सन को से कहा है कि हम लोग 300 रुपीज़ बाद में देंगे। अब ये ऑफिस सप्लाईज जो है ये हमारा एसेट है, तो हम लोग पहले ऑफिस सप्लाईज वाले हेड में चले जाएंगे, तो यहाँ पे 300 जो है उसको हम लोग पुट करेंगे, और उसके बाद हमने इसको पे करना है तो हमारा ये लाइबिलिटी है तो हम लोग इसको 300 इसमें पुट करेंगे। अब जब हम लोग इन सब को टोटल करेंगे यानी कि ये वाला जो बैलेंस है इसमें ये इसमें कोई चीज़ नहीं आई तो ये वैसे वैसे आ जाएगा, और यहाँ पे कोई अकाउंट यूज़ नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे यूज़ होगा इन सब को हम प्लस कर देंगे और इस तरह लैंड वाला बैलेंस आ जाएगा। जब हम इन तीनों चीज़ों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये प्लस होने के बाद 50,300 आ जाएगा, यानी कि टोटल एसेट हमारे पास 50,300 है, और इसी तरीके से जब हम लोग इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा 50,300, क्योंकि हमारे पास ये टोटल बैलेंस इक्वल आ रहा है दोनों साइड का, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अच्छा यहाँ पे हम लोग हम चौथी ट्रांजेक्शन के ऊपर चलते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास रिसीव है जी हमने
7,500 कैश फॉर दी सर्विस परफॉर्म, यानी कि हमने ये कैश भी रिसीव हुआ है और हमने सर्विस भी परफॉर्म किया है, तो इसका मतलब हमारे कैश में इजाफा होगा, तो हम लोग कैश वाले अकाउंट के अंदर इसको ऐड कर देंगे यानी कि जमा कर देंगे। और अब यहाँ पे सर्विस परफॉर्म किए हैं तो हमारे पास जो सर्विस रेवेन्यू है उसके अंदर भी हम लोग इजाफा कर देंगे। अब ये सर्विस रेवेन्यू जो है हमारे इक्विटी का पार्ट है और यहाँ पे रिटेन अर्निंग के अंदर आता है, तो इस हेड के अंदर है हम लोग इसको लिख देंगे। अब जब हम लोग इनको टोटल करेंगे तो ये 27,000, और इसको जब हम लोग करेंगे तो ये 34,500 बन जाएगा। और इस तरीके से बाकी जो अकाउंट है वैसे के वैसे आते जाएंगे। और इसी तरीके से जो हमारे पास नेट बैलेंस आ रहा है, यानी कि जो टोटल एसेट है हम का बैलेंस आ रहा है, वो 50,800 है। और इस तरीके से हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज और इक्विटी का बैलेंस भी 50,800 आ रहा है। और यहाँ पे ट्रू आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ तक ट्रांजेक्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप उस पर किए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के पेपर पे किए जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को और से देखेंगे कि कहीं पे बैलेंस आउट तो नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे ही बैलेंस आउट होगा तो अकाउंटिंग क्वेश्चन इन बैलेंस हो जाएगी। आपको हर हाल में इसको बैलेंस लेके चलना है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। परफॉर्म सर्विस ऑन अकाउंट, इसका मतलब है हमने सर्विस परफॉर्म किया और पर्सन ने बोला कि मैं आपको बाद में पेमेंट दूंगा, तो इसका मतलब ये हमारा रिसीवेबल बन गया। तो हम लोग रिसीवेबल के अंदर ये 2,000 को ऐड कर देंगे, ये जी हम, और उसके बाद हमने 2,000 को यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि हमने इसको सर्विस दी हुई है, तो सर्विस रेवेन्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इन सबको टोटल करेंगे यानी कि बैलेंस कर लेंगे। ये जो जिस तरह ये बैलेंस का ऐड आ रहा है, जब यहाँ पे तो कोई अकाउंट यूज़ नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे पहले ऊपर 0 बैलेंस था, जब इसमें ऐड होगा तो 2,000 हो जाएगा, इस तरह 300 हो गया और यहाँ पे 23,000 हो गया। और इस तरीके से हमारे पास ये एसेट के अकाउंट ख़त्म हो गए यहाँ पे, और यहाँ से लाइबिलिटीज और इक्विटी के अकाउंट शुरू हो गए। तो इन सबको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है दोनों साइडों का वो 59,800 आ रहा है यहाँ तक। और इस तरीके से ये अभी यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे किए जा रहे हैं यानी कि पेज पे किए जा रहे हैं, तो आपने इस चीज़ को खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, हर हाल में दोनों साइड में बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे पेड कैश है, उन्होंने वो कहते हैं 1,500 फॉर रेंट और एंड 1,100 फॉर दी एम्प्लॉय सैलरीज, यानी कि उन्होंने जो कैश जो टोटल पे किया हुआ है वो टोटल पे किया है, एक तो 1,500 फॉर रेंट पे किया है, उसके बाद इन्होंने 1,100 फॉर सैलरीज पे किया है। यह हमारे कैश में कमी हुई है इसलिए मैंने माइनस कर दिया दोनों को ऐड करके। अगर ये दो अकाउंट आ जाएंगे तो एक एक ही एंट्री के अंदर आ रहे हैं, तो आप उसको यूं दोनों को जमा करके वहाँ पे ही माइनस कर लेंगे। और अब यहाँ पे एक तो हमारे पास यहाँ पे आया है रेंट आया है, यानी कि यहाँ पे रेंट एक्सपेंस है, इसको माइनस कर देंगे हम लोग, क्योंकि रेंट एक्सपेंस जो होता है वो लेस करता है हमारे प्रॉफिट को, और प्रॉफिट जो होता है एक रिटेन अर्निंग में जाता है, रिटेन अर्निंग ऑलरेडी लेस हो जाती है। और यहाँ से हमारे पास दूसरा एक्सपेंस आया है एम्प्लॉय सैलरीज का, तो हमने इन दोनों को लेस कर दिया। अब हम लोग इनको टोटल कर लेंगे, 34,500 को जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 31,900 आ जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे टोटल कर लेंगे, यहाँ पे बाकी वैसे के वैसे आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर ऊपर 0 बैलेंस था तो यहाँ पे ये यह नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन जो एक चीज़ नोट करने वाली, टोटल जो है इस साइड का यानी एसेट का वो है हमारे पास 57,200, और जो लाइबिलिटीज और इक्विटी का है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं होंगे तो फिर यहाँ पे मिस्टेक होगी। चलें आगे चलते हैं। अब पेड 250 टू क्रेडिटर ऑन अकाउंट, अब हमने क्रेडिटर को ऑन अकाउंट जो है वो हमने पे करना, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने माइनस कर देंगे 250 को। और यहाँ पे हमारे पास जो अकाउंट पेबल है क्रेडिटर का उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ये 250 का हमने माइनस कर दिया। जैसे हमने ये दोनों साइडों से माइनस किया अकाउंट इक्वेशन के, यानी कि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी के, तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये बैलेंस आ गया 31,650 आ गया। ये बाकी हमारे पास बैलेंस जो है वो इफेक्ट नहीं हो, वो वैसे के वैसे आ गए। इसको आप अगर पेज पे करें तो वहाँ पे भी आप बिल्कुल वैसे के वैसे लिख लेंगे, जहाँ पे इफेक्ट आएगा उसको आप अगर प्लस हो रहा तो प्लस कर लेंगे, माइनस हो रहा माइनस करके उनका जो बैलेंस होगा वहाँ पे लिख लेंगे। और इस तरीके से ये जो यहाँ पे हमारे पास आ गया 56,650
थाउजेंड यानी कि टोटल एसेट है 56,950, और इस तरीके से हमारे पास टोटल लाइबिलिटी और इक्विटी का जो बैलेंस है दोनों का इकट्ठे मिलके वो है 56,950। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। और अब आगे चलते हैं, वो कहते हैं कलेक्टेड 61,600 फ्रॉम द कस्टमर ऑन अकाउंट। अब हमने एक कस्टमर था जिससे हमने पैसे लेने थे, यानी वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल वाले जो कस्टमर थे उनसे हमने पैसे लेने थे, उनसे हमने 1,600 रुपये ले लिए हैं। 1,600 उसमें हम ऐड कर देंगे। अब एक अकाउंट से हमने लिए हैं और एक में से माइनस करेंगे, क्योंकि अब अकाउंट रिसीवेबल वाले से बंदे से हमने जिसको हमने 2,000 जिस बंदे से लेना था उसने हमें 1,600 रुपये दे दिए। तो उसमें हम लोग क्या किया है, इसमें हम लोगों ने जो 1,600 था उसको हमारे कैश में इजाफा हुआ है, इसलिए हमने कैश में ऐड कर दिया। लेकिन हमने ये जो दूसरा एसेट का ही अकाउंट है अकाउंट रिसीवेबल उसमें से हमने इसको माइनस किया है, और इस ट्रांजैक्शन के दौरान कोई भी लाइबिलिटी या इक्विटी अकाउंट यूज़ नहीं हुआ। तो हमने किसी भी अकाउंट को कुछ नहीं कहना और सिर्फ वही अकाउंट को ही हमने टच करना है जहाँ पे इसका इफेक्ट आ रहा हो। अब इस अकाउंट में एक तो हमारे पास कैश आ रहा है, एक तो कैश में इजाफा हुआ है, और दूसरा हमने अकाउंट रिसीवेबल में कमी हुई क्योंकि हमने जो क्लाइंट था कस्टमर था उससे पैसे लिए हैं, इस वजह से हमने इधर ऐड किया और इधर सब्ट्रैक्ट किया। अब हम लोग चलते हैं जी लास्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर, उसमें वो ये है कि जो पेड 4,000 कैश डिविडेंड। अब हमने 4,000 जो है कैश डिविडेंड पे किया है, 4,000 को लेस कर देंगे यहाँ से, यानी कि 4,000 को लेस कर देंगे, और ये हमारे पास डिविडेंड यहाँ पे हेड है तो डिविडेंड यहाँ पे आ रहा है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन आई है डिविडेंड की यहाँ पे, तो हम लोग इसको इसी अकाउंट में से माइनस कर देंगे। जैसे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास टोटल बैलेंस आ गया 52,950, जो हमारे इन ट्रांजेक्शन का जो बैलेंस है वो इतना है, और इस तरीके से हमारे पास टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी का जो बैलेंस है वो है 52,950। और इस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर हम लोग पेज पे करेंगे तो ये सारा काम हमें मैनुअली यानी कि कैलकुलेटर की मदद से करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा एहतियात से काम करना है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो सकती है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे किए जा रहे हैं तो ये काम ऑटोमेटिकली भी हो जाते हैं, वरना हम लोग कंप्यूटर पे जो होते हैं उसमें प्लस माइनस करना आसान होता है, उसमें सिर्फ जस्ट कॉन्सेप्ट को ही हम लोग देख रहे होते हैं। लेकिन मोस्टली जो होते हैं ये इस तरह क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं जिसमें यानी कि कंप्यूटर इस तरह चीज़ें अलाउ नहीं होती, आपके पास सिंपली कैलकुलेटर होता तो वो फिर आपने उसको ये मतलब सही इसको सोल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अकाउंटिंग क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर इसमें अभी तक भी कोई कन्फ्यूजन है तो आपने इसको पूछ लेना है, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों का शेयर कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।